बड़े नाम हाईलाइट कर रहे थे, ये स्टॉक आज फिर सेशन में लार्ज ट्रेड के चलते उन डोमेस्टिक और फॉरेन फंड ने जो पैसा डाला है उसके चलते रहा। ऐसे ही कल एक और लार्ज ट्रेड हुआ था, वो था एमी ऑर्गेनिक्स पे। प्रोमोटर्स ने माल छोड़ा लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है कि वो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड और प्लूटस वेल्थ ने बड़े बड़े चंक्स इस कंपनी के एक्वायर करें, रखेंगे इस एमी ऑर्गेनिक्स को भी रडार पे। तीसरा स्टॉक लेकर आई, तीसरे इंपॉर्टेंट पॉकेट ONGC रॉयल इंडिया जैसे स्टॉक्स रडार पे, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले लक्ष्मण हाईलाइट कर रहे थे वो फोर्टनाइटली रिव्यू की तैयारी, अगले 24-48 घंटे में आपको आउटकम आता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से क्रूड की चाल रही है शायद विंडफॉल टैक्स में थोड़ा सा और रिडक्शन लाइकली है। लाइए आईटी शेयर्स को पूरा पैक, क्योंकि जो ग्लोबल हेडविंड्स आए हैं नैसडैक की सबसे ज्यादा पिक पे आई, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर कंसर्न्स, तो शायद ये आईटी एज अ स्पेस पूरी की पूरी आज थोड़ी सी दिक्कत में दिन के दौरान कामकाज करती हुई नजर आए। भारत फोर्ज की सब्सिडरी होली ऑन सब्सिडरी ने एक करार करा है हार्बिंगर मोटर्स के साथ। ये जो टाइप हुआ है ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ड्राइव ट्रेन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिफाइड ड्राइव ट्रेन बनाने के करार, इंटरेस्टिंग है, अच्छी खबर भारत फोर्ज के लिहाज से। केईसी इंटरनेशनल अपडेट दिया है कि तमाम सेगमेंट्स में कुल मिलाकर 1110 करोड़ रुपए के इस कंपनी ने ऑर्डर्स बैक करे। अगला स्टॉक प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए, इंडसइंड बैंक SBI, इसकी डिटेल पर भी आता हूं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, दोनों पे बुलिश नजरिया, दोनों के टारगेट जो बढ़ा के रखे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए। ये बैंक्स की तेजी की हम लोग बात कर रहे थे, मॉर्गन स्टैनली का एक थम्स अप भी आता हुआ इन दोनों बैंक्स के लिए स्पेसिफिक। अंबुजा सीमेंट्स ने घोषणा करी है, बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट है परसों, फंड रेजिंग पर अंबुजा का बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। अगला स्टॉक प्लीज स्क्रीन पर खींचिए, वरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, इसने घोषणा करी थी कि बोर्ड मीट होनी है फंड रेजिंग पर, वो इक्विटी या डेट के जरिए, आज वो बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। और फाइनली आज के जो वायदा में कर्व वाले स्टॉक्स तीनों कंटिन्यू होते हुए, अंबुजा सीमेंट्स, डेल्टा कॉप, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज वायदा के कर्व।